तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास एक रेशनल एक्सप्रेशन दिख रही है ना, पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा वो क्या है, आपका प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके तीन ऑब्जर्वेशन है, रेशनल फंक्शन, प्रॉपर है, ऊपर से रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे कैसे करते हैं? रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए ए अपॉन द लीनियर फैक्टर एंड बी अपॉन सेकेंड टाइम जो बी हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्स प्लस टू, तो 3x माइनस 1 टाइम्स ए टाइम्स एक्स प्लस टू और प्लस बी हो जाएगा, है ना। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कट जाएगा वहाँ से। अब क्या करना है हमें, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफ़ी आसान है ना। ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या प्लेस कर दीजिए, माइनस टू प्लेस कर दीजिए, ए ऑब्सेंट हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये खत्म, बी आ गया। तो बी एक ही बार में आ गया माइनस सेवन आपका, है ना। अब क्या किया जाए, अब तो कुछ भी रख दिया जाए एक्स की वैल्यू, है ना, क्योंकि बी अब्सेंट तो होने वाला है नहीं, बी का कांस्टेंट है कोफिशेंट। खैर एक्स जीरो रख देते हैं ना, तो पुटिंग कुछ भी रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, जीरो सकते हैं, टू थ्री, लेकिन सबसे आसान तो जीरो ही है, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस वन एंड इधर हो जाएगा आपका जीरो हो गया, तो टू ए और प्लस बी, बी पहले ही आ चुका है माइनस सेवन, तो यह माइनस सेवन डाल देंगे हम लोग, है ना। सपोज आप नेक्स्ट करिएगा कायदे से, माइनस सेवन इधर आएगा, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो टू ए सिक्स, तो ए आ गया थ्री, तो ए की वैल्यू थ्री आ गई। अब आगे नीचे आप कंटिन्यू करिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं ना, ए की वैल्यू थ्री रख दे रहे हैं और बी की वैल्यू कितना हो जा रहा है आपका, माइनस सेवन, माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आप तो नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, हमारे पास स्पेस कम है। अब क्या किया जाए, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग दीज एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली, कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्री इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, माइनस सेवन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख रहे हैं एक्स प्लस टू का पावर माइनस डी एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वन आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू और माइनस सेवन, इसका क्या हो जाएगा आपका, आपका ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, है ना। तो एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो करेंगे तो माइनस वन बाई क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस टू आ जाएगा। ये माइनस और माइनस सेवन मंडलाइए कि प्लस हो जाएगा, यहाँ से हटा दे रहे हैं ना, वन अपॉन या सेवन अपॉन लिख लीजिए, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।